गुप्त नवरात्रि साधना के इस सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई 4 दिनों की हम लोगों की अभी तक साधना हो गई है, अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो आप लोग 1-2 मिनट में बोल सकते हैं, तब फिर हम लोग आगे पंचम की ओर बढ़ेंगे। वो बताना हाँ चाहते हो? भैया। मैं कल 7 बजे शाम को गायत्री मंत्र बोल रही थी, जप कर रही थी गायत्री मंत्र का। मेरा अनुष्ठान भी चल रहा है, लघु अनुष्ठान। आप सुन सकती है दीदी? जी सुन रही हूँ दी। हाँ हाँ, तो 7 साढ़े 7 बजे मैं गायत्री का जप कर रही थी अपना अनुष्ठान होने के पहले। जी तो उस दिन क्या हुआ, जब 2-3 माला जपा मैंने, तो मैं बैठी तो मेरे सामने गायत्री माता, यानी जो शांति शांति कुंज में अखंड दीप के पास जो मूर्ति है, उसी वैसे मेरे सामने बैठी थी। मैंने बहुत सोच किया, और वो ऐसी पोजीशन ऐसी थी कि मेरे हाथ के सामने उनकी आंखें, मेरी नाक के सामने उनका नाक, बिल्कुल ऐसे समांतर था। और मैंने जी बहुत दिन, बहुत टाइम उसको महसूस किया। मैं देखती रही उसके चेहरे को, और बाद में धीरे धीरे वो मेरे सामने आ गई दीदी। जी और मेरे आंख में उनकी आंख मर्ज हो गई, उनकी नाक में मेरा नाक मर्ज हो गया, और मेरे ऐसे मेरे गाल में उनका गाल मर्ज हो गया, और पूरी हाँ समा गई है। वो आप पूरी तरह मुझ में समा गई, ऐसे कुछ अच्छा लग रहा था कि वो ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में सारी दूर फैल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि। और बाद में मैंने मेरा चेहरा दिखा, तो मुझे मैं दिखी नहीं, मेरा चेहरा दिखा नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा गायत्री माता का ही ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत सुंदर। और आप ये तो बाद अच्छा में लगा, डर डर तो नहीं नहीं, लगा इससे? ध्यान नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैं गायत्री माता हो गई, ऐसा चेहरा मुझे दिखा मेरा। और बाद में आपने भुवनेश्वरी का जो ध्यान किया, तो वो ऐसा ही दिया बोला आपने, तो उसके पहले ही मुझे महसूस हो गया था शाम को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही होता है। हमने कहा ना कि जब हम साधना करते हैं तो हमें पहले ही वो जो होने वाला होता है वो उसकी जागृति होती हो जाती है। साधना का हाँ यही साधना की सफलता है कि जो हमें आगे होने वाला है वह हमारे आज्ञा चक्र जागृत हुआ, तो अंतर ज्ञान, तो वो सारे दृश्य, वो सारी चीज जो घटित होने वाली है वह हमारे सामने पहले से आने लगेंगी। तो हम अच्छा चीज आया तो धारण कर लेंगे, कोई वैसी दुर्घटना वाली बात आई तो हम क्या करेंगे, हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, हम उसके लिए हीलिंग प्रोसेस कर लेंगे, हम उसकी सुरक्षा का मंत्र पढ़ लेंगे, दिव्य रक्षा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, तो हम पहले ही उसका इलाज भी कर सकते हैं, पहले ही उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। कारण शरीर से हमें पता चलता है कुछ होने वाला है, तो हम चिंता करने के बजाय, परेशान होने के बजाय, हम दिव्य रक्षा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो कर सकते हैं, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट कर सकते हैं, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो कर सकते हैं, तो हम वह उपाय कर सकते अच्छा, हैं। हाँ, सचेत रहेंगे हम, पता रहेगा तब। अभी गायत्री हो गए तो खुश हो गए, और अभी कुछ और घटना घटना होती तो हम चिंतित चिंतित हो जाते, परेशान हैरान हो जाते। तो किसी भी स्थिति में हमें संतुलित बैलेंस रहना है, तो क्या होगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा। तो माँ गायत्री को थैंक प्रणाम। यू दीदी। मैंने कोशिश बहुत की कि मेरा चेहरा मैं देख लूं, लेकिन दिखाई नहीं मेरा चेहरा, वो गायत्री का ही दिखता था। हाँ, तो ऐसे ही धीरे 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 जब हम बहुत सारी चीजों से इनिशिएटेड होते हैं, तो बस अब आप पास से गायत्री हो गई, तो अब फिर आपको कोई चीज की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब तो गायत्री आप हो गई, तो अब सभी के लिए बेहतर सोचना है और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद हम लोग को देते रहना है, ताकि कि सब कुछ फलीभूत होता रहे। अरे आपका आशीर्वाद है दीदी। हम सब गायत्री है, हम गायत्री सब की आशीर्वाद है ना हम हम सब लोगों को। बिल्कुल, उस
बाद मुझे ऐसा लग कोई भी बात होती है ना, कोई समस्या बोल देता है तो मैं ऐसे बोल देती कि हो जाएगा, ऐसा ही मुंह हाँ से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज होना चाहिए, एकदम सब सही हो जाएगा, जैसे ही हम ये बोलने आदत होगी बस होता जाएगा। चलिए, तो बहुत शुभकामना आपको, और ऐसे ही सभी के जीवन में सुख समृद्धि और ऐसे ही देवी का आगमन होता है।